दोस्तों आज हम एक कार्ड ट्रिक करेंगे। यहाँ पर एक ट्रिक ऑफ कार्ड्स है मेरे पास, ये कम्प्लीटली शफल्ड अप है और हम एक के बाद एक का इन कार्ड्स को ऐसे फैलाएंगे। तो अब क्या करना होगा कि स्पेक्टेटर कभी भी कह सकते हैं स्टॉप, जब हमें ऐसा लगेंगे कि अब उन्हें कैचर कहना चाहिए कि स्टॉप, तो वो कभी भी कह सकते हैं स्टॉप। ये कम्प्लीटली रैंडम चॉइस है, इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं है अभी तक। तो ये ऐसा आप स्पेक्टेटर को बोलिए और सच बोल ऐसा ही है, स्पेक्टेटर जब चाहे तब स्टॉप कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा कि स्टॉप, उन्होंने स्टॉप कह दिया यहाँ पर, तो ये कभी भी कह सकते थे वो स्टॉप, उन्होंने आप कहा है। तो हम वो वाला कार्ड लेंगे जहाँ पर उन्होंने स्टॉप कहा, उन्होंने कहा यहाँ पर, लेकिन हम वो वाला कार्ड लेंगे जो अभी तक हमने देखा नहीं। ये सारे कार्ड हमने देख लिए हैं, टेस्ट अप है, तो हम ठीक उसके बाद वाला कार्ड लेंगे जो कि है ये वाला कार्ड हम लेंगे, ठीक है। और ये जो बाकी के कार्ड हैं इन्हें हम दूर रख देंगे, ये वाला कार्ड हम है प्राइम कार्ड, हम इससे काम करेंगे। और मेरे पास एक और चीज़ है जो कि यहाँ पर है, इन्हें कहते हैं प्राचीन भाषा में पेपर क्लिप्स। जी हाँ, पेपर क्लिप्स है ये, साधारण से पेपर क्लिप्स। और स्पेक्टेटर चाहे तो इन्हें एग्जामिन कर सकते हैं अच्छी तरह से। मान लीजिए उन्होंने दिया ये वाला पेपर क्लिप, तो हम इस पेपर क्लिप को इस बॉक्स के अंदर डालेंगे और उसके बाद इसको बंद करके, ठीक है, आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं या इसके अंदर है ये वो जो पेपर क्लिप। तो अब इसको हम इसके ऊपर, इस कार्ड के ऊपर रख देंगे। याद रखना इस बॉक्स के अंदर वो पेपर क्लिप है। तो अब थोड़ा सा माइंड पावर से उस क्लिप को बेंड करने की कोशिश कीजिए और ये जरूर होगा, जरूर बेंड होगा। हो गया, अब इसको हटा दीजिए। देखिए यहाँ पर एक कार्ड है और इस बॉक्स में है पेपर क्लिप। इस बॉक्स को धीरे से खोलिए, चाहे तो स्पेक्टेटर इस बॉक्स को भी एग्जामिन कर सकते हैं अच्छी तरह से। अब इस बॉक्स से पेपर क्लिप को निकालिए, देखिए पेपर क्लिप का हाल क्या है। देख रहे हैं आप, ये है पेपर क्लिप जो अभी अभी बॉक्स में डाला गया था। अब जब हम इस कार्ड को भी पलटेंगे तो हमें पता है क्या दिखेगा, वही कार्ड जो पेपर क्लिप में लिखा है, सेवन ऑफ हार्ट्स। तो दोस्तों ये था ट्रिक और चलिए देखते हैं कि ये कैसे किया जाता है। दोस्तों ये ट्रिक बहुत ही आसान है, बहुत ही मजेदार है, तो चलिए देखते हैं ये ट्रिक कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले एक पेपर क्लिप लीजिए, कोई भी नॉर्मल पेपर क्लिप, उसे बेंड करके ऐसा कर दीजिए, ठीक है। सेवन ऑफ हार्ट्स मैंने यहाँ पर लिया है, सेवन ऑफ हार्ट्स, वो इसलिए क्योंकि सेवन ऑफ हार्ट्स को बनाना बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, और इसलिए मैंने सेवन ऑफ हार्ट्स लिया। आप चाहे तो कोई और ले सकते हैं, ये कम्प्लीटली आपका चॉइस। मैंने सेवन ऑफ हार्ट्स लिया, तो आप इस एक सिंपल को पेंट करके ऐसा बना दीजिए, फिर उसे इस कार्ड बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। फिर क्या करना है, आप जो कर रहे हैं यहाँ पर इस ट्रिक में, आप कार्ड फोर्स कर रहे हैं, फोर्स, हाँ फोर्स कैसे करते हैं, फोर्स करने का बहुत ही तरीका है। यहाँ पर जो मैंने किया है वो कुछ इस तरह का है। ये जो डेक है ये कम्प्लीटली नॉर्मल है और शफल किया हुआ है, तो डेक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो है ये जो सेवन ऑफ हार्ट्स वाला कार्ड है, हम इसको बाहर लेंगे और कोई दूसरा कार्ड यहाँ पर इसे लेंगे, इसे उल्टा करके इस डेक के इस साइड पर ऐसे रख देंगे। उसके बाद ये जो सेवन ऑफ हार्ट्स वाला कार्ड है इसको भी ऐसे रख देंगे, बस आपका डेक तैयार है। फिर इसको ध्यान में रखते हुए कि कौन सा साइड ये वाला है, इसे हम नीचे रख कर इस तरह से फ्लिप करने के बाद इस साइड कम्प्लीटली फेस्ट, इसे हम बॉक्स में डाल, ठीक है, ये चला गया बॉक्स। तो आपका सेटअप तैयार। तो आप सबसे पहले क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि यहाँ पर एक डेक ऑफ कार्ड्स है, इसे निकालेंगे और ध्यान में रखें कि वो जब बॉक्स के अंदर जो पेपर क्लिप है वो बाहर ना आए, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको एक के बाद एक ऐसे रखते हैं, ठीक है, एक के बाद एक ऐसे रखिए। फिर आप स्पेक्टेटर से कहिए कि आप कभी भी स्टॉप कह सकते हैं, उन्हें वो कभी भी स्टॉप कह सकते हैं, और यकीन मानिए कोई भी एकदम लास्ट तक वेट नहीं करेगा। कोई बहुत ही जल्दी कह देता है, कोई थोड़ी देर वेट करता है, बहुत देर बाद आधा तक आ जाता है कार्ड, फिर कहेंगे स्टॉप। वो उनकी मर्जी, वो कहीं भी स्टॉप कर सकते हैं। मान लीजिए वो कहेंगे स्टॉप, जब वो स्टॉप कहेंगे आप ऐसा मूव कीजिए, ये एक दो स्टॉप, इस तरह से स्टॉप के ऊपर ऐसा हाथ मान लीजिए, इससे होगा ये जो पूरा डेक है ये फ्लिप होगा। और इस साइड में वो दो कार्ड है
जो आपने पहले से उल्टा करके रखा था, ऐसा फ्लिप हो गया, ठीक है, ये एक एक दो स्टॉप, ऐसे उल्टा कर दिया, ठीक है, ये ऐसा हो गया, इसे रख दीजिए। फिर आप कहिए कि यहाँ पर आपको वो कार्ड चाहिए जो आपने नहीं देखा, यहाँ पर सारे दिखाई दिए कि ये कौन सा कार्ड है, तो हम वो वाला कार्ड लेंगे जो बिल्कुल इसके बाद वाला है। इसको लेकर एक कार्ड स्लाइड करके ऐसे रख दीजिए, और ये वही कार्ड है सेवन ऑफ हार्ट्स, इसको ऐसे रख दीजिए, क्योंकि इसके बाद वाला कार्ड भी ऐसे उल्टा है तो लोगों को लगेगा कि ये नॉर्मल डेक है, ये नॉर्मल डेक है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। फिर आप क्या करेंगे, आप ये सारे डेक्स को कार्ड्स को लेकर एक तरफ रख दीजिए, इनका काम हो गया। अब ये जो कार्ड है इसको ऐसे रखकर आप पेपर क्लिप्स को लाइए, ठीक है, आप पेपर क्लिप्स को लाइए हाथ पर, और कहिए स्पीकर को कोई भी एक पेपर क्लिप चूज कर लेने के लिए, और कोई भी एक देख। फिर आप इसे रखकर ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को इस तरह से आपके हाथ में लेंगे, यहाँ पर पेपर क्लिप है, यहाँ इस तरह। फिर आप क्या करेंगे, फिर ये पेपर क्लिप लेकर आप यहाँ पर डालने की प्रिटेंशन करेंगे कि आप इस बॉक्स के अंदर डाल रहे हैं। आप ऐसे दिखाओगे कि आप इसे बॉक्स में डाल रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है, आप इसे पीछे इस ये जो पेपर क्लिप्स यहाँ पर है यहाँ पर रखते हैं, और रखते ही ऐसे शेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो अंदर ये है ये आवाज करेगा, ठीक है, इतने हाथ में रखकर ऐसे रखिए, फिर इसको ऐसे लाइए, गिरा दीजिए, फिर गिराते ही इसे हाथ में लेकर शेक करना शुरू कर दीजिए। ये जो साउंड होगा यही मिस डायरेक्शन है, इससे ही लोगों का फोकस इस पे रहेगा। फिर आप इसको हटाकर ये इन क्लिप्स को पास में रख दीजिए, लोगों का ध्यान यहाँ पर जाएगा ही नहीं। आप इसको बंद कर दीजिए, इस तरह से शेक करते रहिए, और फिर आप ड्रामेबाजी कर सकते हैं, इसको यहाँ पर रख दीजिए, फिर ये क्रम बंद करने का मूव कर सकते हैं। फिर इसे निकालने के बाद दिखाइए कि ये कुछ कुछ सेवन ऑफ हार्ट्स की तरह हो गया है। फिर आप कार्ड को फ्लिप कीजिए, दिखाइए कि ये भी सेवन ऑफ हार्ट्स है। मेन मूव यही है कि आप इस क्लिप को इस पे कैसे रखें, आप इसको ऐसे लेकर यहाँ पर जब रख रहे हैं तो आप उंगली से इसको इस डेक के इस साइड को पकड़ के उठाकर हिलाना शुरू कर दीजिए, इससे ये जो साउंड आएगा अंदर में, अंदर जो कार्ड जो ये है उससे वो लोगों का अटेंशन इस पर ही रहेगा, लोगों का अटेंशन इस तरफ नहीं जाएगा। फिर आप इसको खोल करके यहाँ पर रख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का ट्रिक, और इसका सीक्रेट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे नए नए मैजिक वीडियोस आने वाले हैं, और देखने के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी देखते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।